दोस्तों टेक्निकल टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भैया आज की इस वीडियो में मैं इस लैपटॉप की पूरी जानकारी आपको विस्तार से देने वाला हूँ कि भैया ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है, क्या इसके अच्छाई है, क्या इसकी कमियाँ हैं। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ मिलने वाली है। इस लैपटॉप का नाम और मॉडल नंबर है MSI GL65। और भैया इसकी अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी है तो इस वो मिलेगी आपको मेरी पिछली वीडियो में, उसमें आपको मिलेगा कि लैपटॉप की जो पैकेजिंग है वो कैसी आती है, उसकी बॉक्स की पैकेजिंग कैसी आती है, पैकिंग क्वालिटी कैसी है, और लैपटॉप में मतलब बॉक्स में आपको लैपटॉप के साथ क्या क्या एसेसरीज देखने को मिलेगी। तो वो सभी जानकारी आपको पूरी विस्तार से डिटेल से आपको उस वीडियो में मिलेगी। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन को प्रेस करके वहाँ से भी उस वीडियो को पूरी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं इस लैपटॉप की एक एक इंस्ट्रक्शन को डिटेल से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल टेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस लैपटॉप की कमी को लेकर। देखिए इस लैपटॉप में सिर्फ एक ही कमी है और वो कमी ये है कि इस लैपटॉप में आपको कोई भी एक्सटर्नल DVD राइटर ड्राइव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर आपको DVD का पोर्ट यानी DVD कैसेट या CD का आपको यूज़ करना है तो इसके लिए भैया आपको अलग से DVD राइटर यानी एक्सटर्नल DVD राइटर आपको परचेज करना होगा। और अगर ये देखा जाए तो ये एक तरह से अच्छा भी है, इससे आपको दो बेनिफिट है। पहले तो DVD राइटर न होने से आपके लैपटॉप का वेट जो है वो कम हो जाता है, और दूसरी इससे फ़ायदा ये है कि इंटरनल DVD राइटर जल्दी ख़राब होते हैं एक्सटर्नल DVD राइटर के मुकाबले। तो एक्सटर्नल DVD राइटर आप लीजिए, उसकी लाइफ भी अच्छी होती है, लैपटॉप में आपको वेट भी कम मिलेगा, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं इसकी खूबियों के बारे में। देखिए सबसे पहली और सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस लैपटॉप की जो लुक है वो काफ़ी गजब है। इसको बनाने के लिए इसमें जो मेटेरियल का यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का, हाई ग्रेड PVC का यूज़ किया गया है। यानी दूसरे ब्रांड की अगर आप लैपटॉप की बात करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सॉलिड क्वालिटी का यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो यूज़ किया गया है। अगर आप इस तरह देखें तो ये आप मतलब बता ही नहीं सकते कि ये प्लास्टिक है या फिर कोई दूसरा मटेरियल है। यहाँ पर बीच वाले हिस्से में अगर आप नज़र डालें तो ये एक तरह का मेटल है, सिर्फ आपको ऊपर नीचे ही PVC देखने को मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को लेकर। देखिए परफॉर्मेंस इस लैपटॉप की काफ़ी कमाल की है क्योंकि ये एक हाई क्वालिटी का गेमिंग लैपटॉप है। अब हाई क्वालिटी गेमिंग लैपटॉप होने से मतलब ये नहीं है कि आप इसका यूज़ सिर्फ गेमिंग के लिए ही कर सकते हैं। इसमें आप एनिमेशन के काम, कार्टून्स जो हैं वो बना सकते हैं, और साथ साथ ब्लेंडर जैसे ट्यूटोरियल आप ये यूज़ कर सकते हैं। हैवी इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर जो हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक्स डिजाइन करना काम है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। हैवी गेमिंग्स भी खेल सकते हैं, तो इस तरह के काम जो हैं वो कर सकते हैं। जैसे शादी विवाह की जो कैसेट्स की जो वीडियो की जो मिक्सिंग की जाती है वो भी आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि कैसेट जो वीडियो की जो मिक्सिंग होती है उसमें कितना ज़्यादा पावर जो है लैपटॉप को जो लैपटॉप जो है वो लेता है। तो उस चीज़ में भी आप इसको परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको जीरो लैग जो है देखने को मिलेगी। और सबसे कमाल की चीज़ तो ये है कि इस लैपटॉप में आपको हीटिंग की जो प्रॉब्लम है बहुत ही कम यानी ना के बराबर फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें लैपटॉप को तेज़ी से कूल करने की टेक्नोलॉजी साथ साथ इसमें टर्बो बूस्ट 5 भी दिया गया है। अब इसका यूज़ कैसे करना है मैं अभी आपको इसका वीडियो में बताऊँगा, और ये मैं आपको अपने 25 दिनों का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अनबॉक्सिंग के ठीक 25 दिन के बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जिसमें आपको इस लैपटॉप के बारे में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। तो चलिए अब लैपटॉप को आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, और इसके इंटरनल और एक्सटर्नल स्पेसिफिकेशन से भी मैं आपको एक एक नज़र जो है वो डाल देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका चार्जर। ये तो है इसके चार्जर की पावर केबल, जिससे इसमें इसके अडेप्टर को जो है पावर मिलती है। देख सकते हैं इसका पिन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, और ये पावर केबल कनेक्टेड होता है इस अडेप्टर से। इस अडेप्टर की अगर हम बात करें तो ये है एक पावरफुल अडेप्टर, और ये है 150 वाट का अडेप्टर। तो यानी जो इस अडेप्टर से लैपटॉप भी आपका काफ़ी फास्ट जो है वो चार्ज होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इस अडेप्टर का साइज है, और ये जो पिन है ये कनेक्टेड हो जाती है हमारे पावर कोर्ड से, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो चलिए मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ एक तरफ। उसके बाद मैं यहाँ पर इस लैपटॉप को अगर आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप ऊपर से देखें तो यहाँ पर आपको हल्के हल्के गंदा भी दिखाई दे रहा होगा। तो आपको ये ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर लैमिनेशन की हुई है ताकि इसके ऊपर स्क्रैच ना पड़े। लैपटॉप पर ऊपर से देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है MSI का लोगो, और भैया जो लोगो है ये भी यार अपने आप में काफ़ी खास है। यानी जब आप इस लैपटॉप को ऑन करते हैं तो जितने समय तक आपका लैपटॉप ऑन रहता है यानी 2 घंटे 4 घंटे,
तो उतनी देर तक इस लोगो में, इस जो लोगो है MSI का, इसमें जो है वाइट कलर की लाइट जो है वो जलती है, यानी जो ये जो ड्रैगन्स बने हैं इसमें वाइट कलर की LED लाइट जो है वो जलती है। और इससे ये जो लैपटॉप है, अगर सामने बैटरी में वाला व्यक्ति इस लैपटॉप को देखता है तो ये एक तरह से काफ़ी कमाल की चीज़ जो है वो देखने को लगती है, खास डे में भी और नाइट में भी। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस लैपटॉप के निचले वाले सेक्शन पर। नीचे की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो नीचे यहाँ पर दो फैन आपको देखने को मिलेंगे जो कि लैपटॉप को कूल करते हैं। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इसके बाद ये जो दोनों फ़ैन हैं ये 7 हीट सिंक पाइप से आपस में कनेक्टेड हैं। मैं पाइप को देखता हूँ कि कैमरा जो है पकड़ पाता है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक बारीक जो है पाइप को जो है। और ये जो पाइप्स हैं ये एक कॉपर ट्यूब की हैं, यानी कॉपर की बनी हुई पाइप हैं। और इन पाइप के ठीक नीचे प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड है, जिसकी वजह से लैपटॉप जो है आपका तेज़ी से ठंडा होता है। और सिर्फ बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती, इसके अलावा इस लैपटॉप को कूल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक बड़ी सी जाली जो है वो नज़र आएगी। तो इस लैपटॉप में आप अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना जो है कम हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इस लैपटॉप में गर्मी को बाहर निकालने के लिए इसमें आपको 3 एग्जॉस्ट जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें से मैं आपको दिखाता हूँ। पहला एग्जॉस्ट ये रहा और दूसरा एग्जॉस्ट यहाँ पर है, और जो तीसरा एग्जॉस्ट है वो आपको मिलेगा साइड में, यानी यहाँ पर। यानी इस लैपटॉप में गर्मी को बाहर निकालने के लिए 3 एग्जॉस्ट जो हैं दिए गए हैं, तो आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद इस लैपटॉप की अगर बात करें यहाँ इसके स्पीकर की, तो यहाँ पर दो स्पीकर हैं, 2-2 वाट के, एक स्पीकर नंबर 1 और स्पीकर नंबर 2। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैपटॉप में लैग दिया हुआ है, ताकि लैपटॉप अगर आप बिस्तर पर भी रखें तो उसके बाद भी अंदर हवा जाने के लिए जगह जो है वो मिल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की हल्की आपको दिखाई दे रही होंगी कॉपर ट्यूब्स जो हैं, कुछ लाइन्स। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि लैपटॉप को सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान दिया गया है लैपटॉप को कि कूलिंग टेक्नोलॉजी को लेकर। और इसके अलावा यहाँ पर लैपटॉप में कूलिंग बूस्ट 5 भी दिया गया है, जिसके अलावा अगर यानी कि अगर इनके बाद भी अगर लैपटॉप आपका गर्म आपको लगता है कि यार हल्का हीट हो रहा है, तो आप उससे लैपटॉप को और तेज़ी से कूल कर पाएंगे। वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरह से वो चीज़ जो है वो काम करती है। अब लैपटॉप के साइड फ्रंट पैनल पर हम नज़र डालें तो फ्रंट में आपको यहाँ पर 3 इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। पहला चार्जिंग इंडिकेटर, इसी तरह से ठीक इसी तरह से एक है बैटरी चार्जिंग, और तीसरा है बैटरी डिस्चार्जिंग इंडिकेटर। तो इस तरह के 3 इंडिकेटर आपको सामने मिलेंगे, 2 इंडिकेटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद साइड में यहाँ पर लैपटॉप का ये है चार्जिंग पिन, जहाँ से ये लैपटॉप जो है चार्ज होता है। उसके बाद यहाँ पर SD कार्ड रीडर, यानी आप डायरेक्टली SD कार्ड को यहाँ से जो है वो रीड कर सकते हैं। उसके बाद 2 पोर्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे 3.2 वर्ज़न के। तो इसमें आप एक अच्छी खासी स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड मैंने तो डेटा ट्रांसफ़र की जो वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने पेन ड्राइव के माध्यम से कितनी स्पीड से डेटा को इसमें जो है कॉपी किया हुआ है। और इसके बाद साइड में अगर नज़र डालें तो ये है इसका डिस्प्ले सेंसर। उसके बाद यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जो है लैपटॉप की हीट को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ मिलता है लैपटॉप का लैन पोर्ट, यानी यहाँ से आप लैन कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मिलेगा आपको एक HDMI पोर्ट, यानी इस लैपटॉप को आप एक अलग से मॉनिटर में बड़े स्क्रीन के या फिर टेलीविज़न से भी कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मिलेगा आपको MPDP पोर्ट, एक अदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा USB 3.2 वर्जन का पोर्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साइड में USB टाइप सी पोर्ट, यानी इससे भी आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और 2 आपको पोर्ट मिलेंगे यहाँ पर, एक होगा जिसमें से माइक का और दूसरा होगा हेडफोन का। तो इन पोर्ट्स का भी आप यूज़ जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अब चलिए मैं लैपटॉप को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इंटरनल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसका किस तरह से है। लैपटॉप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैपटॉप में बहुत ही कम बेजल आपको देखने को मिलेंगे ऊपर से और दोनों साइड से। नीचे की तरफ आपको हल्का चौड़ी मार्जिन का बेजल देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी डिस्प्ले की सिक्योरिटी के लिए ही जो है ऐसा किया गया है। यहाँ पर आपको मिलेगा MSI की ब्रांडिंग देखने को, और ऊपर आपको एक वेबकैम यहाँ पर देखने को मिलेगा, और साथ साथ यहाँ पर एक LED इंडिकेटर भी देखने को मिलेगी। जब ये वेबकैम ऑन होगा तब ये जो है
एलईडी इंडिकेटर ऑन हो जाएगी। डिस्प्ले की बात करें तो इसकी जो डिस्प्ले है यह है 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 1920x1080 पिक्सल। और ये डिस्प्ले की खास बात यह है कि ये जो डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ है, और साथ ही साथ इसमें जो है एंटी ग्लेयर प्रोटेक्टेड है, यानी इसमें आपके आँखों का भी जो है ध्यान रखा गया है। इसके बाद अब हम आते हैं कीबोर्ड सेक्शन पर। कीबोर्ड की बात करें तो भैया जो कीबोर्ड हैं ये स्टील सीरीज आरजीबी कीबोर्ड है, यानी जब आप इस लैपटॉप को ऑन करेंगे तो इसमें अलग अलग कलर की लाइट्स जो हैं वो जलती हुई दिखाई देंगी। हालांकि आप इनको जब चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, यानी मैनुअल भी आप इनको कर सकते हैं। उसके बाद माउस पैड पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा बड़े साइज का टच पैड देखने को मिलेगा, और नीचे आपको एक लेफ्ट और राइट क्लिक्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर माउस को यूज़ करने में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। इसके बाद साइड में इस लैपटॉप की अब इंटरनल यानी मेन फीचर के ऊपर आते हैं, तो मेन इसमें आपको मिलता है इंटेल कोर i7 का 9th जनरेशन प्रोसेसर, जो कि भैया है 5750H। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 4GB का NVIDIA GTX का 4GB ग्राफिक कार्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका मॉडल नंबर है 1650। और साइड में आपको कुछ और स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि G4 GTX 16 सीरीज जेंट स्पीकर, उसके बाद ड्रैगन सेंटर स्कैन लर्न मोड, तो आप और जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद कूलर बूस्ट 5। अब ये कूलर बूस्ट 5 क्या है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मिलता है पावर का एक बटन, जिससे लैपटॉप ऑन होता है। उसके बाद ये रिसेट का, जैसे कि आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को रिसेट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्बो का एक लोगो बना हुआ है, ये टर्बो का लोगो जो है यही कूलर बूस्ट 5 है। अभी इसका यूज़ कैसे करना है मैं अभी ये लैपटॉप को ऑन करके आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। तो चलिए अब ये तो थी एक्सटर्नल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर मैं इस माउस पोर्ट पैड का जो है यूज़ है वो थोड़ा कम करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ एक्सटर्नल माउस पैड का, क्योंकि मुझे ज़्यादातर आसान यही चीज़ लगती है। दोस्तों एक चीज़ और भी कि आप इसकी डिस्प्ले को लगभग इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप इसको कितना ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले है वो इतने एंगल तक आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और चलिए अब मैं आपको लैपटॉप ऑन करके दिखाता हूँ। और लैपटॉप को ऑन करने से पहले मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूँ कि ये लैपटॉप सिर्फ 10 सेकंड में ही ऑन हो जाता है और 10 सेकंड में ही ये स्विच ऑफ हो जाता है। तो काफ़ी फास्ट ऑपरेशन है इसका। मैं इसके लिए आपको दिखा देता हूँ इस मोबाइल फ़ोन में आपको टाइमर जो है वो चला के दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ जो है देखने में आसानी रहे। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ लैपटॉप और टाइमर दोनों में एक साथ प्रेस करूँगा। पहले हम लैपटॉप को ऑन करेंगे, उसके बाद की को प्रेस करेंगे, ठीक है। अब 1 और 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैपटॉप मैंने की जो है प्रेस कर दी है और ये देखिए, यानी लैपटॉप जो है वो हमारा 10 सेकंड में जो है पूरी तरह से ओपन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है कितना ज़्यादा फास्ट है, और शटडाउन भी ये 10 सेकंड में ही हो जाता है। चलिए मैं ये भी आपको जो है दिखा देता हूँ इस चीज़ को भी करके। टाइम मैनेज मान लीजिए 0 करा, और यहाँ पर हम गए इसको शटडाउन करने के लिए, शटडाउन, और यहाँ पर हम शटडाउन पे गए, और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो लैपटॉप जो है वो पूरी तरह से शटडाउन हो जाएगा। और शटडाउन का यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ये इंडिकेटर पूरी तरह से बंद हो जाएगा तब ये लैपटॉप हमारा पूरी तरह से शटडाउन हो जाएगा। चलिए पहले टाइमर को स्टार्ट करता हूँ, टाइमर स्टार्ट और एंटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 सेकेंड यहाँ पर कंप्लीट हो गए, यानी आप देख सकते हैं कि 10 सेकेंड से पहले ही हमारा जो लैपटॉप है पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से फास्ट इसका ऑपरेशन है। मैं एक बार फिर से इसको ऑन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों साथ प्रेस करता हूँ इस बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैपटॉप जो है वो 10 सेकेंड 11 सेकेंड में जो है ऑन हो जाता है। तो ये तो थी इसकी फास्ट ऑन ऑफ की प्रोसेस। अब चलिए हम बात करते हैं इसकी इंटरनल स्पेसिफिकेशन की। देखिए फ़िलहाल मैं इसको ले लेता हूँ पास में, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील सीरीज कीबोर्ड में इस तरह से अलग अलग कलर की जो लाइट्स हैं वो ब्लिंक होती हैं। आप इसको चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, और
चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके विंडो की। देखिए लैपटॉप जब आप लेते हैं तो इसमें आपको विंडो 10 होम जो है वो मिलता है और ये प्री लोडेड होती है, यानी आप जब लैपटॉप को लेते हैं तो विंडो आपकी पहले से ही डली होती है। उसके बाद आपको जैसे ही आप नेट अपने लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं तो ये जो लैपटॉप है डिजिटल लाइसेंस के थ्रू इसकी जो विंडो है वो परमानेंट लाइफ टाइम आपकी एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद आप कभी भी इसमें विंडो चेंज कीजिए, बस आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पे जाके उसको लॉगिन करना है और आपकी जो लैपटॉप है वो ऑटोमेटिक परमानेंट जो है वो एक्टिवेट रहेगी। यानी इसमें आपको अलग से विंडो की जो है ढूंढने का खोने का झंझट जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यानी इसे आपका डिजिटल लाइसेंस के थ्रू ही लाइफ टाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और मैं यहाँ पर इस माउस पैड की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ इस माउस का। यहाँ पर ये काफ़ी बड़े साइज़ का माउस है, डेल ब्रांड का है, आप देख सकते हैं। इसका जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। लैपटॉप का भी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप लैपटॉप को भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर उसके बारे में और जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए मैं इस USB रिसीवर को इस लैपटॉप से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने माउस को कनेक्ट कर दिया है, इससे जो है यूज़ करने में थोड़ी आसानी होती है। और तो ये तो थी विंडो की बात। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ माय कंप्यूटर में इस विंडो की प्रॉपर्टी। जब यहाँ पर हम जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है विंडो इज़ एक्टिवेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिजिटल लाइसेंस के थ्रू परमानेंटली जो है एक्टिवेट हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेसर का यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा है इंटेल कोर i7 का 5750H।